नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हल्का सिंह। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से नहाती हुई छात्राओं के वीडियो का मामला सामने आने के साथ ये सवाल भी खड़ा हो जाता है कि आखिर कोई अपनी प्राइवेसी और निजी पलों को कैसे सुरक्षित रखे। तो आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं ताकि आप सतर्क और सावधान रहें। होटल, रेस्टोरेंट और मॉल्स के चेंजिंग रूम में इस तरह के खतरों से आप कैसे सावधान रह सकते हैं, आइए बताते हैं। ऐसे तलाशें स्पाइस कैमरा। अगर आप अपने घर से बाहर हैं तो कुछ बातों का ध्यान आपको हर हाल में रखना चाहिए। इससे आपको समय रहते इस बात की जानकारी हो जाएगी कि कहीं कोई स्पाइस कैमरा तो नहीं है या फिर छिपकर कोई आपकी रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा। संदिग्ध चीज़ों की करें जांच। होटल के कमरे में जिन चीज़ों को आपको चेक करना चाहिए उनमें नाइट लैम्प, गेट हैंडल, रोशनदान, फ्लावर पॉट, स्मोक डिटेक्टर, एसी पावर एडेप्टर, टेबल पर रखे सामान, घड़ी, अलार्म, सेंसर, दीवारों पर लगी फैंसी लाइट, टेलीफोन, वॉल क्लॉक या छत पर लगे छोटे झूमर हो सकते हैं। इनमें कहीं भी लेंस जैसा कुछ दिखे तो फौरन सावधान हो जाइए, फ्लैश लाइट की मदद लें। किसी भी जगह पर लगे छिपे कैमरे को ढूंढने में आपको फ़ोन काफ़ी मदद कर सकता है। फ्लैश लाइट के रिफ्लेक्शन से कांच के पीछे लगे छिपे स्पाइस कैमरे का पता आसानी से लगा सकते हैं। इस ट्रिक के लिए सबसे पहले आपको उस कमरे की लाइट बंद करनी होगी। इसके बाद अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन कर दें और अब मिरर या सामान के अंदर अगर स्पाइस कैमरा फिट होगा तो उसकी ब्लिंक लाइट यानी लेंस वाली लाइट आपको दिखाई देगी। इस तरह आप पता लगा सकते हैं कि उस जगह पर कोई कैमरा लगा है या नहीं। अंधेरा करेगा मदद। स्पाइस कैमरे का पता लगाने में अंधेरा आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इसके लिए आप कमरे की सभी लाइट को बंद कर दें, फिर अंधेरे में ही पूरे कमरे में नज़र दौड़ाएं। अगर कमरे में कई कैमरा लगा होगा तो उसकी लेंस या कैमरे की ब्लिंक होती लाइट आपको जरूर दिखाई देगी। अगर अंधेरे में आपको देखने में दिक्कत हो रही है तो आप फ़ोन का कैमरा ऑन कर लें और हर कोने और सामान की जांच करें। उंगली से कैसे पता लगाएं? अगर बेडरूम या बाथरूम में कोई मिरर लगा है तो कैमरा उसके पीछे भी लगा हो सकता है। अंदर कैमरा लगा है या नहीं इसे चेक करने के लिए आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं। मिरर पर आप अपनी उंगली रखें। मिरर पर उंगली रखने के बाद आपकी असली उंगली और शीशे में दिख रही उंगली के बीच अगर गैप आ रहा है तो डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर गैप नहीं आ रहा तो समझ जाइए इसके अंदर कैमरा हो सकता है। इन बातों का भी रखें ध्यान। ऊपर बताए गए ट्रिक तो फायदेमंद है ही, इसके अलावा अनजान जगहों पर कुछ और बातों का भी ध्यान देना चाहिए, खासतौर पर तब जब आप कपड़े बदल रहे हों या फिर नहा रहे हों। इसके लिए बाथरूम में गेट, खिड़की और फैंसी रूफ को अच्छे से चेक करें। अगर कोई हिस्सा कहीं से डैमेज लग रहा है तो सावधान हो जाइए, हो सकता है कैमरे के जरिए कोई आप पर नज़र रख रहा हो। ये जरूरी नहीं कि खतरा सिर्फ कमरे के अंदर ही हो, कई मामलों में बाथरूम या चेंजिंग रूम के वीडियो बाहर से खड़े होकर लोगों ने बनाए हैं खिड़की या गेट के सुराख के जरिए। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।